देवी प्रणामी, धुलाई का वक्त शुरू हो चुका है।
लाल चक्रवर्ती, मेरे भाई, इन्होंने पीपल मार्ट कंपनी की स्थापना की और अपने मुनाफे का 50% हिस्सा कॉर्पोरेट स्टाइल स्कूलिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते आए हैं। ये आप सभी जानते हैं। उनकी इसी नेकी की वजह से उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा जा रहा है और मुझे उन पर बहुत गर्व है। अब मैं मंच को सौंपता हूं। दिख रही थी, मैं भी बहुत दुखी था। लेकिन आपको पता है मैं कामयाब कैसे बना? बांस के पेड़ देखे हैं? जमीन में बीज बोकर पानी डालने से अगले दिन पेड़ नहीं दिखता, अगले हफ्ते भी देखो कुछ नहीं दिखता, एक महीना कुछ नहीं, एक साल कुछ नहीं, आखिर में 3 साल बाद अंकुर निकलते हैं। फिर जब वो बढ़ने लगता है तो कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है 3 साल जमीन के नीचे क्यों रहता है? क्योंकि उसे जितना ऊपर जाना होता है उतनी ही नीचे उनकी जड़ें जाती है। कामयाब होने पर हमें सिर्फ आसमान दिखाई देता है, लेकिन उड़ने से पहले ग्राउंड वर्क करना जरूरी होता है। वो ग्राउंड वर्क ही है जो आपको कामयाब बनाएगा। इसीलिए मेरा अप्रोच स्टेप बाय स्टेप होता है। मेरे पीपल मार्ट परिवार से मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं आप सबको यूं ही मेरा परिवार नहीं कहता। मेरी वाकई इच्छा है कि हम सब हमेशा एक परिवार की तरह मिलकर रहे। कैसे होगा मैं नहीं जानता। मैं बहुत जल्द मरने वाला हूं। आई एम सफरिंग विद न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज। डॉक्टर्स ने मुझे मैक्सिमम 2 महीने दिए हैं। इस परिवार में बड़ा होने के नाते आपको ये बात बताना मेरा फर्ज था। आई एम लिविंग हैप्पीली। आई वॉन्ट टू डाई हैप्पीली। आई एम लिविंग सक्सेसफुली। आई वॉन्ट टू डाई सक्सेसफुली।
अपन घर पर नहीं था तो बाबूजी ने बताया कि प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करने आया था। किसने टांग रखी पता? अपने लुके बॉस के सामने खुदकने की जरूरत नहीं है। एक राउंड तुम्हारी धुलाई होगी, फिर बोलोगे मैं नहीं था। अभी लुको, अगर किसी को माफ करना है बोलना है तो अभी बोल दो, क्योंकि जब हाथ चलता है तो काम को सुनाई नहीं देता। हमारे इलाके में आके हम इसे शांत पट्टी
फूल बच्चा था। हाथ धोने के काम आते हैं, यूज दैट, समझा? अभी हो जाओ। थैंक यू। कुछ चाहिए? कुछ भी चाहिए। और भाई पता है, भारत का डिपॉजिट करने पर 100% तैयार हो रहा है। www.ticketbook.com यही नाम है। और अपना ले जल्दी से। ठीक है भाई, अभी जाता हूँ। क्या था चढ़ गई है।
ने कहा था शादी धूमधाम से करेंगे, उन्होंने अचानक कहा तो मैं उन्हें रोक नहीं पाया। आपको एतराज ना हो तो मैं भी इस शादी के लिए कुछ पैसे देना चाहता हूँ। टेंशन मत लो जमाई कुमार, तुम्हारे साले ने सब अरेंजमेंट कर दिया है, शादी धूमधाम से होगी मेरी गारंटी है ना। अच्छा तो तैयारी कर ली, ठीक है तो मैं चलता हूँ पहले। बाय। आओ जाओ जमाई राज। मैंने बोल दिया शादी धूमधाम से होगी। ऑफिस से विदाई हो चुकी है, शादी का पता नहीं। मतलब ऑफिस से निकाल दिया, अब क्या करेगा? जिंदगी बड़ी है, सोचूंगा। मैंने मैनेजर से बात की है, फिलहाल तो कोई नौकरी नहीं है, मगर होगी तो भी 6 महीने प्रोबेशन। अभी तो तू अच्छी खबर दिया कर, 1 महीने के अंदर जॉब ढूंढ लेना, क्योंकि जब तक सैलरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी घंटा कोई लोन नहीं देने वाला। और वैसे भी बिना नौकरी के कोई किसी को 10 लाख का लोन भला क्यों देगा यार। 1 महीने में जॉब मिलना तो। सर अगर आपके बाद आनंद जी सीईओ बनेंगे तो अच्छा होगा। सर संजय आनंद सीईओ बनना ही नहीं चाहता, तो क्यों बकवास कर रहे हो? भैया मेरे लड़के को सीईओ बनाना चाहते हैं, अमेरिका भेज के वहां से एमबीए करवा रहे है ना भैया। हमारे कंपनी का सीईओ विक्रम ही बनेगा चाचा, वैसे वो अमेरिका से आ कब रहा है? भैया बोलेंगे तो कल सुबह ही बुलवा लेता हूँ। लड़की कैसी है? बहुत अच्छी है पापा, शी इज ब्यूटीफुल। उसके पापा से बात करो क्या, बोलो। पापा सर मेरे पास सिर्फ 2 महीने, बगैर ही चला जाऊं क्या? आप भी क्या पापा, 1 महीने बाद आपका जन्मदिन है और उस दिन तक वाइजैक फैक्ट्री में हजारों लोगों को नौकरी देनी है, हजारों परिवारों को खुशियां मिलेंगी, वही होगा मेरा बर्थडे गिफ्ट, फिर खुद का सोचूंगा। दवाई लीजिए। 1 महीने में हजारों को नौकरी, मुश्किल। हेलो फर्स्ट टाइम? सो मेनी टाइम्स। ये इस वक्त क्यों फोन कर रही है? हेलो भैया मैं प्रतीक के साथ बाहर कॉफी पीने आई हूँ। जाते से पहले उलझने उड़ा रही हो। सॉरी वृद्धा, सॉरी सॉरी। भैया तुम दोनों अकेले में कुछ भी करते हो और टेंशन मेरे को होती है, कितनी बार तेरे को समझाने का पेन, अकेली काहे को गई तू? मेरी दोस्त भी साथ में है भैया, सोच रही थी आप भी आ जाते तो अच्छा होता। इंटरव्यू के लिए आया हूँ, बाद में फोन करता हूँ। फोन रुक, ये बताइए आपको पिछली नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? एक्सक्यूज मी सर। हेलो इंटरव्यू चल रहा है, खत्म होते ही फोन करता हूँ तेरे को। मिस्टर सिस्टर आपको पिछली नौकरी से क्यों निकाला गया बताइए। सॉरी सर, कट करता हूँ। इसी वजह से आपको पिछली नौकरी से निकाला होगा। सर आप ये नौकरी छोड़ दीजिए, डिटेक्टिव बन जाइए, फ्यूचर काफी ब्राइट है। नौकरी नहीं चाहिए, रिज्यूमे दे। तो कौड़ी की नौकरी चुनी। प्लीज ना मेरे प्यारे बाबू, मेरे शोना, मुझे बचा लो ना।
पूछना। ए, पता है तेरे को मैं कौन हूँ? जानता है अपुन के पीछे कितने लोग हैं? जीरो से भी कम, सारे कटली है। जाने दो ने। अपुन को टच किया तो कौन आएगा पता है क्या? एम्बुलेंस लेकर ड्राइवर आएगा। अपुन को हल्के में ले रहा है, उंगली भी लगाई ना तो बांगुर नगर का बादशाह इधर आएगा। बादशाह ऐसा फसलेगा तेरे को। ये बादशाह कौन है? तो बादशाह को नहीं जानता? बादशाह यहाँ का भाई है वो। सवाल का जवाब देना। बादशाह को मारा तो कौन आएगा? बादशाह को मारा तो कुर्ला का शरीफ खान आएगा। इसको अफजल खान का पोता बोलते हैं। अच्छा, और कुर्ला के शरीफ को मारा तो कौन आएगा? कुर्ला के शरीफ खान को मारेगा। अबे तू शरीफ खान को मारेगा? अरे अरे पागल है। ओवर एक्टिंग बंद कर। कुर्ला के शरीफ को मारा तो कौन आएगा बताना? शरीफ को मारा तो मुंबई का राजू कोबरा। अक्की कंट्री में उसका मुकाबला ही नहीं है। मरी गयो, कल्टी लेनी चाहिए। देखा नानी, बाज का नाम लेते ही कांपने लगा। तू समझा नहीं, मैंने सोचा टाइम पास क्यों करूं, सीधा जाकर मुमरा के कोबरे को पीट दूं। भाई कसा का है? ए फुलझड़ी बैठना। कौन है वे तू? क्या जी इधर को? थोड़ा मारने का था। खाना खाने के टाइम में तू यहाँ मारने की बात कर रहा? चल ये बता किसको मारेगा तू? आपको मारूंगा। सच में दूंगा। मेरे को क्यों मारना रे? आपका फुंतरू मेरी वाली को छेड़ रहा था। अरे अगर वो तेरी झमिया को छेड़ रहा है तो तू उसको जाके मारना, मेरे को क्यों मार रहा है तू? हाँ इसको मारता तो बांगुर नगर का बादशाह आएगा बोला। अगर डेरिंग है तो बांगुर नगर के बादशाह को मारना। मियां बादशाह को मारता तो कुर्ला का शरीफ आएगा बोला। अगर तू एक बाप का है तो कुर्ला के शरीफ को मार के दिखाना। उसको मारा तो मुमरा का कोबरा आएगा बोला। अरे इतना दम है तो मुमरा के कोबरा को मार के दिखाना। वही तो करने आया हूँ। शहर की मेरे से फटी है तू सारा यहाँ के मेरी फाड़ रहे क्या? बहुत खुजली हो रही है। कच्चा लिंबो समझाओ तो कॉमेडी कर रहा है तू पहलवान। ये कोबरा का सांड होना हिम्मत है तो इससे लड़के दिखा। मुझसे नहीं होगा। यो मिया अड्डे ना, इनको मारूंगा तो नाम खराब होगा। आपको मारने का मन बना के आया हूँ। आना खत्म होने से पहले ये खत्म हो जाना मांगता। लेकिन पैसे वाला लड़का मिलते उसके साथ निकल पड़ी। उसके बाद बड़ी गैप आ गई। वैसे मुझ में कोई
बाद तुम मोटी हो गई हो, शेप बिगड़ गया है। हम जॉगिंग करने जाएंगे, वॉकिंग करने जाएंगे। मैंने बहुत आगे की सोच ली है। इतनी शादी कब करनी है ये सोचो, और हनीमून पर कहाँ जाना है ये मुझे बता देना। तुम ये रिश्ता पक्का सोचो, अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी जल्दी घर जाओ। अरे दिमाग पे इतना जोर मत डालो। इतने दिनों बाद हमें मिलने का मौका मिला। बांबू का पेड़ और उसकी जड़ स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूँ। शॉर्टकट लेकर ऊपर जाना चाहता हूँ। हर बार कछुए की तरह धीरे धीरे तो नहीं जा सकते ना, इसीलिए अगले 5 सालों में जो कंपनी टॉप 5 में जगह बना सकती है उसी को मैं दुगने दाम देके खरीद लेता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं तो सोचा इसे खरीद लिया जाए। जो कंपनी अच्छी लगती है उसे मैं 4 ऑप्शंस देता हूं। नंबर 1, मांगने पे मिल जाए तो दाम। नंबर 2, सौदा करके खरीद लिया उसे तो बिजनेस। 3, ब्लैकमेल करके लो तो दादागिरी। नंबर 4, मार कर छीन लो तो सियासत। इसे कहते हैं जंगल राज। अकलमंद लोग पहले 2 ऑप्शंस चुनते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। सो लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट ऑप्शन। आपकी ये कंपनी मुझे चाहिए। इस कंपनी को खरीदने के लिए ये रहा मेरा ऑफर। जंगल के शेर पर कोई नियम लागू नहीं होता। अगर शेर को भूख लगती है वो खा जाता है, जब उसे भूख लगती है वो शिकार करता है। I'm hungry। बाकी तो ऑप्शंस का सामना करने के लिए तैयार रहा हूं। जब से तुम्हें
रखा है, मेरे अच्छे दिन चल रहे इसलिए तुम टिके हुए हो। मैंने नौकरी छोड़ दी तो पता नहीं आपका क्या होगा, सिर्फ इसी वजह से मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। पैंट में बॉम्ब डाल दूंगा, उसको बोलो वो डरेगा। मुझको डराने चले थे। दे दे। ओके।
नाम मुझे बगैर ही हाँ बोल दिया। आनंद चक्रवर्ती मैं हूँ स्वामी। करता क्या है? हम अभी पीपल मार्ट कंपनी में गए थे ना, वो वहाँ सीईओ बनने वाला है। पहले तेरे पास नौकरी थी, अब नहीं है। हाँ हेलो सर, बैंक अकाउंट खोल दो। मैंने जैसे देखा और पापा ने जैसे मिलवाया दोनों अलग हैं। तूने कहा वही है? एक जैसे ही है ना माँ। हाँ, एक मेरी फ्रेंड का भाई है स्वामी, ये देखो, और दूसरा पापा के फ्रेंड का बेटा आनंद चक्रवर्ती। ये क्या नई मुसीबत है? अब मैं क्या करूँ? जाने से पहले तुझे स्वामी पसंद था, आने के बाद तुझे आनंद पसंद आ गया, मतलब तुझे दो लड़के पसंद है, उन दोनों को भी तू पसंद है क्या? अब मैं क्या करूँ माँ? दोनों से बात कर और तू ही फैसला कर, जो भी ज्यादा पसंद आएगा उसे चुनेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? फॉर्म है ये फूड बैंक।
होटल में बचा हुआ खाना हो उसे अपने पास की ऐसी फूड बैंक में रखवा दीजिए जिससे भूखे लोगों को खाना मिल सके। ये तालियां, ये इज्जत मुझे नहीं, मेरी दोस्त परवी को मिली है, क्योंकि ये आइडिया उसी का है। कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है और दूसरी तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं।
कहीं मेरी बेटी से प्यार करते हो तो नहीं रुकूंगा। रास्ते पर निकले, शादी कर देता हूँ तुम दोनों की। इतनी जल्दी शादी होगी ऐसा सोचा नहीं था मैंने। इसने कहा मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा पहले पापा से तो पूछना पड़ेगा ना, तभी आप। मेरी बेटी आपको चाहती है सर, आप मान जाइए सर प्लीज। देखिए मुझे माफ कर दीजिए रमेश जी, बहन की शादी से पहले मैं शादी नहीं कर सकता, मैं अपना कर्तव्य नहीं भूल सकता हूँ। चलता हूँ। आपकी बहन भी है? आपको कोई शक है इस बारे में? आप कौन है? मेरे पापा। इसके पिताजी को और देखे? इसके पापा कौन है वो आप बताएंगे। आपका नाम क्या है? नाम पता किए बिना शादी करवा रहे थे स्वामी। काम धंधा क्या करते हो? जॉब था निकाल दिया, अब आवारा गर्दी करता हूँ। अब वैसे आप क्या करते हैं? आज सुबह से तो बेइज्जती ही करवा रहे हैं। चलो मार देगा।
किया तो जा, चला रे। मुश्किल हो जाए, नाजुक कलाइयों पर तो सिर्फ चूड़ियां शोभा देती है। लुक के बाद मिले होंगे तुझे।
बहुत दो रहा है सर। अरे क्या मालिक, आप कब से मारा या नहीं, मारा या नहीं, एक तारीख आ गई, मेरा पगार ट्रांसफर किया कि नहीं? तू मेरे लिए साढ़े साथी है। मुझे बहुत लोग ऐसे ही बोलते सर। चार साल बाद
चक्रवर्ती जी को मेरे पिताजी का पता मिला। 4 साल का रिश्ता इंसान को बदल देता है। मुझे पापा के पास भेजना उनके लिए भी आसान फैसला नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपनी शराफत दिखाई। पलटेंगे तो नहीं। बचपन में सिर्फ ऐसी गन से पिचकारी निकलती थी।
लड़के हो स्वामी, लेकिन काम करोगे पीपल मार्ट के सीईओ बनकर। पगार सिर्फ यहाँ से लूँ या वहाँ से भी ले सकता हूँ, चक्कर क्या है सर? सबसे पीपल मार्ट का होने वाला सीईओ एग्जैक्टली तुम्हारी तरह दिखता था। उसे हाल ही में किसी ने मार दिया। उसकी जगह अब नए सीईओ तुम बनोगे और मेरे लिए काम करोगे। वहाँ जाकर आपका काम करना ये तो गलत है ना? किसी पराए के लिए गलत करना गलत है, लेकिन अपनों के लिए गलत करना पूरी तरह जायज है। ये त्रिविक्रम आपका कुछ लगता है? हाँ सर। ओके सर, मैं जाऊंगा। टुमारो मॉर्निंग यू हैव टू साइन एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, तो उसके लिए तुम तैयार रहना। सो आई विल पिक यू फ्रॉम योर होम। ओके ओके सर, आप खुद मुझे इस तरह ले जाकर पीपल मार्ट का सीईओ बना रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आपके आशीर्वाद से सीईओ बन रहा हूँ, इस बात का नशा ही कुछ और है। कल से आप यहाँ पर और मैं वहां पर, दुनिया हिला देंगे। लेकिन वो चक्रवर्ती नहीं माना। अब सिर्फ 2 लाख रुपए में उसकी कंपनी मेरे कब्जे में होगी। कौड़ियों के दाम।
सर बहुत नर्वस हूँ, इतने लोगों के सामने कैसे बात करूं। सर वो यू कैन डू इट। आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है। यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज की पूरी टीम तुम्हारी स्पीच सुनकर कुछ सीखना चाहती है। उनके सामने थोड़ा भाषण देके सीधा मेरे पास आ जाना। कंपनी के सारे शेयर्स और असेट्स हमारे नाम पर करने के ये कागज है, जल्दी से साइन करो। इस बार विटनेस के तौर पर हमने हाई कोर्ट से लॉयर भी बुलाया है। साइन करते ही गेम ओवर। सर 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 सर, बचपन से स्टेज फियर है सर, भाषण देना थोड़ा मुश्किल है। आप कहो तो अभी साइन कर देते। वापस आकर साइन कर लेना। छोटी सी स्पीच है, जस्ट टू लाइंस। दो लाइन कह रहे हो या तो पांच लाइनें लिखिए। पढ़। पीपल मार्ट परिवार के सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबके साथ मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, आपसे वादा करता हूँ। आज के लिए इतना ही। अभी थोड़ा टेंशन में हूँ सर, रट्टा मार कर आता हूँ। तुम ले एक लाइन याद हो गई है, बाकी की चार कर लेता हूँ। याद हो गया। पीपल मार्ट परिवार के सभी लोगों का स्वागत, सुस्वागतम। आपके साथ मिलकर इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, आपसे वादा करता हूँ। आपका अपना विवेक आनंद चक्र। वेरी गुड, थैंक यू सर। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। कैसे हो सकता है? मैं भी सेम टू सेम सोच रहा हूँ सर। चलो जाओ जल्दी। चलो चलो, लेट हो रहा है। चलो इनवाइटिंग द न्यू सीईओ ऑफ पीपल मार्ट ऑन द स्टेज। स्वागत, सुस्वागत। आपके साथ मिलकर मैं इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। आपका अपना विवेक आनंद चक्र। विवेक आनंद चक्रवर्ती। साथियों, मेरा एक सपना है इस पीपल मार्ट कंपनी में आगे एक भी एम्प्लॉय ना बचे। ये क्या पके जा रहा है? मेरे पापा ने यह कंपनी 10 लोगों के साथ शुरू की थी। पहले 6 महीने में पगार नहीं मिली और ना ही मांगी। कंपनी शुरू होने के 2 साल के बाद भी कंपनी पूरी तरह लॉस में थी। तब 9 महीने किसी को पगार नहीं दी, किसी ने मांगी भी नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि आप सब इस कंपनी को अपनी कंपनी मानते हैं। लेकिन सिर्फ आप ऐसा सोचे तो ये काफी है क्या? हमें भी तो सोचना चाहिए। 10 लोगों से कंपनी की शुरुआत हुई थी, आज इसमें 10,000 से ज्यादा लोग हैं। आप तब भी खुद को एम्प्लॉय समझते थे, आज भी समझते हैं। ये बोल क्या रहा है? इसीलिए पीपल मार्ट कंपनी का नया सीईओ नई सोच के साथ आगे बढ़ेगा। सीईओ के हिस्से के शेयर्स में से 50% शेयर्स में चैरिटी में दूंगा और बचे हुए 50% शेयर्स सीईओ से लेकर वॉचमैन और वर्कर सबके बीच बिना भेदभाव के बराबरी में बटेगा। परमेश्वर के पास गया, अब हम क्या करें?
उसकी इच्छा। सब होता है हमारे अच्छे के लिए होता है बेटी। लेकिन आपको जब से मिला हूँ मेरे साथ सब बुरा ही हो रहा है। प्यारों की सिर्फ एक महीना हुआ था, कितना रहोगी? जब पता चलेगा आपने सुपारी दी थी तब क्या होगा? मुंह बंद रख अपना। ओके ओके ओके। अरे बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो, एक पिता यही सपना देखता है ना। काश मेरे पिताजी को भी यही सपना हुआ होता। 10 लाख देकर इसके लिए सुपारी देता हूँ, पनौती तो चली जाएगी सर से। मम्मी जी है ना सर? तेरी मम्मी तो नहीं है ना? एक मौका मिलने दे मुझे। रहने तो मालिक की, आप क्या बोल रहे हो? अरे चांस कहाँ मिलता है, लेकिन हर शादीशुदा मर्द करना तो यही चाहता है। अगर बीवी को मारना गुनाह नहीं होता ना, तो इंडिया में शादी से ज्यादा मर्डर्स होते हैं। वो रहने दो, पहले ये सोचिए कि लड़की को आनंद से शादी करवाने के लिए कैसे राजी करें। वही सोच रहा था यार। आनंद? हाँ अंकल। आप हमारे घर पे कैसे? प्रणवी का जिससे टाका भिड़ा था, सुना है किसी ने उसे टपका दिया। आपको कैसे पता चला? पार्ट टाइम मैं खबरी का भी काम करता हूँ अंकल। किसने मरवाया मालूम है? कड़े मुर्दे उखाड़ना आप लोगों का खानदानी पेशा है क्या अंकल? से, 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 ये तो पहचान गए सर। ये चुप रहे, चुप रहे। छोड़ दो उसे, उसके कर्म उसे ले डूबेंगे। हेलो, मेरे लिए कोई नौकरी ढूंढो भाई, मालिक ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे। इतना अभी ना है तो गाड़ दूंगा तुझे। अंकल जो हो गया उसे भूल जाइए, आपकी बेटी प्रणवी से शादी करने में मुझे एतराज नहीं, चाहो तो दहेज मुझसे ले लो। मेरे घर आके आपने ये बता दिया, मेरी तो जिंदगी बन गई। तो कार छाप दूँ? छाप दो। मैं आपको जिंदगी का सत्य बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ बताओ। जब कभी आपको मर्डर करने की खुजली हो तो फोटो मत दिखाओ, जिसको मारना है उसके पास डायरेक्ट पहुँच जाओ, वरना लफड़ा हो जाता है। कैसा लफड़ा? स्वामी समझकर आपने आनंद को मार दिया, हो गया ना लफड़ा। मतलब जो मर गया वो आपकी बेटी का होने वाला? तुम? मैं आपका होने वाला कमाल। स्वामी कम क्लोजर। ससुर जी, आपने आनंद को मरवा कर उसकी लाश गांधी हॉस्पिटल में छुपा दी। अगर ये बात मैं चक्रवर्ती साहब को बता दूं तो क्या होगा? बेटा ऐसे खतरनाक फैसले बिना बताए मत करना बेटा। तो फिर जल्दी बताओ, अपनी बेटी की शादी मुझसे कब करवाओगे? मेरी बेटी की शादी तुमसे क्यों करवाऊं? पीपल मार्ट कंपनी के नए सीईओ के साथ भी नहीं? पंडित जी को अभी बुलवा लेता हूँ बेटा। मान क्यों गए? सीईओ जो बन गए। हटा सावन की घटा, महापापी कलेशी देखते ही तेरी शक्ल बढ़ने लगता है मेरा बीपी। कुंडालो भी बड़ी लोमड़ी मार दूं तुझे तो होंगे सब काफी हैप्पी। इसलिए थी तेरी जीप, कहा था मुझे गरीब नहीं आने दिया, गरीब बर्ताव था अजीब। क्यों मेरी जानू को घर बिठा कर फोड़ा मेरा नसीब। हे गुरुदेव, सठिया गया था बुढ़ा, स्क्रू हो गया था ढिल्ला, आप भी कहाँ लेकर बैठ गई है मुद्दा। लौट आई है बुद्धि, मत तोड़ना मेरी हड्डी, सीख गया बड़ी जल्दी, माफ कर दो मेरी गलतियाँ। चलो मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, तुम मूर्ख हो साबित करो और मेरा इगो सेटिस्फाई करो, तब मैं शादी के बारे में सोचूंगा। ये आइडिया अच्छा लगा। मैं हूँ चूहे की टट्टी करेगी, इधर भी मुझसे गड्डी, मकड़ी से भी मेरी फटती। जाए बैटिंग में डंडा करूं, बॉलिंग भी गंदा, वो फील्डर भी मंदा, दुनिया के सारे निठल्लों का हूं मैं चेला। बट रही थी अकल तब छुपा ली शकल, आपका दिमाग है फेरारी, मेरा है पैदल। मैं आपकी चीख आदमी, चिल्लर की भीख, फैशन पेपर हूं लीक, आप कबाब में सीख, आप लेदर की महंगी बेल्ट में निकर का नाड़ा आप लगा की। हो गया मना के, खुल गई है आंखें, अब तो शुरू कीजिए शादी की बातें। अब मेरी सुन, क्योंकि तेरी बेटी है सुंदर, बेटी का पापा बंदर एक नंबर। क्योंकि तेरी बेटी है सुंदर, पापा बंदर एक नंबर, करवा दे छोरी ना लगन कमिंग दिसंबर। निकलो, अगर आपसे तुमने सुपारी दी। सुपारी खाऊंगा लेकिन दूंगा नहीं। कोई और खेल खेलने की कोशिश करोगे? सिर्फ तुम्हारे बच्चों के साथ खेलूंगा। तथा धन्यवाद सर। अथर्व सर आपसे मिलने के लिए ऊपर आ रहे। ये तो डायरेक्टली ऊपर आ रहा है, क्या बोलोगे तुम? कई बार चुप जाऊंगा। तू आनंद है ना? आनंद नहीं, विवेकानंद चक्रवर्ती। तुम्हारा इस कंपनी को हड़पने का प्लान है ना, तो बस सपने सजाते रहो।
मेरे होते हुए तो इस कंपनी की चाबी तो क्या किचन को भी हाथ नहीं लगा पाएगा। ते मुझे एक्टिंग में चांस मिल सकता है ना? मैं तेरा स्वामी हूँ, पहचाना नहीं? मैं वही डुप्लीकेट बंदा हूँ जिसको आपने हॉट सीट दी है। स्वामी हूँ सर। तुझे क्या करने बोला था और तूने क्या किया? मैंने क्या गलत किया? कुछ भी बोल रहे हो? स्टेज पर एक आर्टिस्ट गलती कर सकता है, लेकिन वो अपने साथियों के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। मजा हुआ खिलाड़ी है, सारे डायलॉग्स तो खुद ही बोल रहा है। तुझे डायलॉग नहीं मिल रहा इसलिए चल रहा है क्या? चार शब्द के नाम पर माइक पर चार पर्दे रख दिए थे, पर अपन भी भारू कलाकार है। ऑडियंस को देखते ही एक्टर जाग गया, वो भी विद एक्शन, विद इमोशन, विद मॉड्यूलेशन। अगर मैंने भारू एक्टिंग नहीं की होती तो भट्टा फूटता ना। सर, लगता है आनंद का स्पीच गलती से इसने पढ़ लिया है। मेरी बात सुनो। पहले आप मेरी बात सुनो। मुझे उस डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना जिसे डायरेक्शन नहीं आता। मैं जा रहा हूँ, नहीं करनी मुझे एक्टिंग। मम्मी रुक जाओ। दरअसल वो तुमने रुकने कहा इसलिए नहीं रुका, मुझे कुछ कहना इसीलिए रुका। आप भगवान है सर। फोन के डिब्बे पे आपके बाप की फोटो है और हाथ में जो अंगूठी पहन रही है ना, उसमें आपका अल्फाबेट है। मेरा बात चले तो आपके नाम का स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनवाऊं। आप पुरुष नहीं, महापुरुष हो। सॉरी स्वामी, तुझे गलत समझा। बता, तुझे नया ऑफिस कैसा लगा? जकास है। वो बात नहीं, सीईओ की कुर्सी कैसी लगी? मुलायम है। मोटा गद्दा लगा है। प्योर सोल है। झूठ नहीं कह रहा सर, आप चाहो तो बैठो, आजमा कर देखो। एक्चुअली तुम्हारे जैसे भोले लोग दुनिया में बहुत ही कम है। आप बहुत इंटेलिजेंट है, सही पकड़े हैं सर। आखिर इतना भोला कोई कैसे हो सकता है स्वामी? पैदा होते ही नर्स ने भी यही कहा था। ओके स्वामी, मैं ट्रांसफर पेपर्स भेजता हूँ, तुम साइन कर दो। मैं पकड़ कर खड़ा रहूंगा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे। टू मिनट। पता नहीं क्यों आपको फूल देने का मन किया, खास करके ये कलर और ये आपके पापा के लिए। कैसे दिन आ गए, अब तुम आन है। ए विक्रम, कब आए? सुबह ही आया। ऑल गुड? पहले जेपी से निपटना पड़ेगा ना। जेपी अकेला नहीं है, इस कंपनी को कोई और भी हड़पना चाहता है। उस दिन मोर्चरी से दो फोन किए थे। सर, सबको लग रहा है कि आनंद को जेपी के लोगों ने ही उसे मारा है सर, लेकिन असल में आपने मरवाया ये किसी को नहीं पता है। दूसरा फोन किसे किया था पता करना होगा। संजय सर, साइन करो। कल रात तक अपना काम हो जाएगा और आप
एक बात पता है क्या? कि आपके लिए उसने फूल भी भेजा है। आक्रमण करते वक्त संभल कर रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। उसकी आइडेंटिटी परफेक्ट ही है सर, वो अलग ये अलग है सर। राजा भले ही अंधा हो सकता है, सेनापति नहीं हो सकता। खबर की जांच ठीक से करनी चाहिए सर, सुनकर नहीं भूलना चाहिए। शेर है या लोमड़ी ये बात थी ये पता नहीं कर सका, लेकिन मेरी जान नहीं जाएगी, ये मेरा साम्राज्य है। मेरी ताकत को जान लिया, मेरी कमजोरी का इस्तेमाल किया, मुझे मांगते ही बैटरी ले रही है, मुझे चुनौती दे। और भाई पता है 10,000 स्वामी को नहीं छोड़ूंगा। बोनस दे रही है और साथ में कसीनो वेलकम बोनस भी 100% और पैसे भी
सही टाइम पर आया हूँ। अरे तुमको शेयर्स क्यों बांट रहा है? तूने इन्फॉर्मेशन दी हमको? इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, और दौलत दी नहीं जाती, इसीलिए इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया है। क्या मतलब है इसका? मुझे 2 लाख की मूंगफली खिलाकर खुद 2 करोड़ की मलाई खाना चाहते हो? प्लान तो आपका बहुत खास था, लेकिन 2 लाख के बदले मैं आपको 10 करोड़ दूंगा, ये आपने कैसे सोच लिया मोटा भाई? तो ये वजह थी। मैं उस बुड्ढे के पास गया, उसे सारा मैटर बता दिया। उसने 100 करोड़ की ऑफर दी और 50% शेयर देने का वादा किया, अब इनकार कैसे करता? अब 100 करोड़ मिलने के बाद कंपनी पर ताला लग जाए या वो पानी के भाव बिक जाए, मेरा तो कल्याण हो गया ना। ए, तुझे मैं 200 करोड़ देता हूँ, पहले शेयर्स बांटना बंद कर। क्या कहा? 200 करोड़ देने के लिए तैयार हो गए हो? बजट कम है, ऐसा क्यों बोला? मेरे साथ तो धोखा हुआ ना। ये बकवास छोड़, पहले जाके उनको रोक। सर ने भी यही कहा, पहले जाके उन्हें रोको। अगर मैं ठान लूँ ना तो तुझे मारना सीटी बजाने से आसान है। तब तो बजानी ही पड़ेगी। आप सिर्फ ऑर्डर दो सर। जरा रुक जा, नया टाई सूट है, नई मशीन गंदी है, इसलिए बच्चा जरा जोश में आ गया है। दिवाली के पटाखे देखे है ना, ये सारे वैसे ही है, ये कोई छोटी मोटी लवंगी नहीं, 4 रॉकेट के बराबर है। निकनेम बताए? डिस्ट्रॉयर। अगर उधर से गोली भी चली तो इधर से सैलाब। पीछे 30 लोग खड़े होते हैं तो मैं भी इतनी बातें करता। अमावस के अंधकार को मिटाने के लिए हजारों तारे सपोर्ट करते हैं। अपन वो सूरज है जो दुनिया पे अकेले राज करता है। बस आएगा तो चल जाएगा। बॉयज रिलैक्स। ए, मजाक लग रहा है तुझे ये सब? ये बात पापा को पता चली तो पता है क्या होगा? गुंडागर्दी में भी नेपोटिज्म आ गया क्या? तेरे बाप की फिक्र मत कर, तू क्या करेगा बता? नहीं समझा? अभी समझाता हूँ। भगवान ने इंसान को 2 छेद दिए हैं, दोनों ही काम के हैं। पहला जिससे तू बकवास करता है, और दूसरा जहाँ से तू हल्का होता है। दोनों एक एक हाथ से बंद कर और कटी। अगर मैं यहाँ से गया तो तेरी लाश पे सही जाऊंगा, ये ठान के आया हूँ। जरूरत पड़ी तो चक्रवर्ती की भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूंगा। इसकी विलनगिरी शुरू हो गई। मैंने सोचा था यह डील बिना मारपीट के हो जाएगी। सुन पोपट, तू पार्ट टाइम डीजे का भी काम करता है ना? पपलू टोंका लगाए। बॉयज एंड गर्ल्स, पुट योर शूज ऑन, रेज द वॉल्यूम, लेट्स डांस ऑन सम मैड स्टफ। ये स्वामी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वो स्वामी नहीं बल्कि आनंद है। 100 करोड़ की कंपनी उसकी हो सकती है, फिर 100 करोड़ के चिल्लर के लिए वो ऐसा क्यों करेगा? वो आनंदी है। मैं ये अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, और वो ये सब अपने बाप के लिए कर रहा है। डैड, अब अगला कदम क्या होगा? तुम्हारे बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट हो गई क्या? वो छोड़िए ना डैड। तुम्हारे बर्थडे पर वो कंपनी में तुम्हें तोहफे में देने वाला था। पीपल मार्ट के सीईओ का बर्थडे है, पार्टी तो बनती है। So, तुम जाके उसकी तैयारी करो, बाकी सब मैं संभालूंगा। चालू है पुलिस स्टेशन में। अरे बेचारा,
जेपी मेरी बात सुनो जेपी। एक चोर की तरह वहां मार खा रहा है जो Thank you.
तूने मेरी फैमिली को टच किया था, तभी ऊपर वाले ने तेरी मौत का ओटीपी भेज दिया। स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती, योर वन टाइम पासवर्ड।
को मारने के लिए एक मिनट ही काफी है। 10 लोगों को मारना गुंडागर्दी, 10 लोगों को नौकरी देना बिजनेस। मैं बिजनेसमैन हूं जेपी, गुंडा नहीं। महापुरुष
पुरुष हो जो पैसे देकर गाली खाते हो। एनिमल सिंह को कौन बदल सकता है?